पर संसार से नश्वर देह से विदाई लेकर गए हैं। भले उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग किया है, लेकिन आज भी वो सूक्ष्म रूप में, अव्यक्त रूप में प्रकट होता है। एक रात में परिवर्तन होता है, इसी तरह एक काल चक्र घूमता है, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक अमर अविनाशी है, क्योंकि उस अमर पिता की संतान है, अमर लोक से आई अवधि के लिए एक शरीर मिलता है, और उस शरीर से जब परिवार वालों से हिसाब किताब पूरा होता है, आत्मा उसे घर में जाकर अपना अग्नि यात्रा आरंभ करती है। एक तरफ मृत्यु शोक, और दूसरे घर में जहाँ वो आत्मा जन्म लेती है, किसी माँ की गोद में खेलती है, तो वहाँ आनंद और खुशी का वातावरण होता है। तो जन्म और मृत्यु तक का एक पड़ाव है, लेकिन मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, एक नए जीवन का आरंभ है, एक नए जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। तो हम यूँ ही कहेंगे, हमारे माता जी एक नए जीवन की, सुखद जीवन की शुरुआत के लिए गए। किशोरी देवी राज ने एक ही बात कही थी कि हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह बह दिया करते हैं, हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर किया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर खाए, हम वो है जो मर कर भी जिया। आज चौधरी देवीलाल जी और ये उनका परिवार, भला फुला हुआ परिवार, आइए जन सबूत पूज्य माता स्नेह लता जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हुआ है। मैं आप लोग सभी जानते हैं कि पंजाब से लोग आए हुए हैं, हमारे दादा गुरु माता सिंह जी का नाम कृष्ण देश, उन्होंने एक शादी भजन किया सी, उन्हें लिखा सीखा कि जीव है मुसाफिर और ये जब है सराए रे, दिल क्यों लगाए कभी कोई आए यहां कभी कोई जाए। बचने की चर्चा जीव है मुसाफिर और ये सामान्य के हैं तो अति सेवक नहीं होगी, उन सब का नाम रोजगार के लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु समाज में अगर हमें मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन में आकर हम अगर समाज के लिए कुछ करके जाते हैं तभी हम मानव जीवन को सार्थक करके जाते हैं। जहां तक चुटाला परिवार की बात है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने पूरे चुटाला परिवार में एक सही मायनों में जो मानव सेवा होती है, जो गरीब के प्रति सेवा होती है, कमेरे के प्रति सेवा होती है, उसको सेवा भाव से पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश के अंदर किसान और कमेरे की आवाज बने वो चौधरी देवीलाल बने। चौधरी देवीलाल के परिवार में हमेशा राजनीतिक रूप से जहां एक इस माध्यम को चुना, चौधरी देवीलाल का वो नारा कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं जनमानस की सेवा का माध्यम है, पूरे परिवार ने जहां राजनीतिक रूप से उसे अपनाया, सामाजिक रूप से उसे अपनाया, वहीं अगर माता जी के बारे में मैं दो शब्द ना कहूं तो मैं भी अपने फर्ज के प्रति कोताही करूंगा। मैंने बहुत नजदीक से देखा, अभी मन से बताया जा रहा था शुक्रकाल के बारे में, हमने देखा कि माता जी चौटाला गाँव से साथ आसपास के गाँव से बसों में भर के महिलाओं को ले जाकर जहाँ शुक्रताल और गंगा जी जाया करती थी, वहां कुरुक्षेत्र के अंदर भी आकर उस धर्म के प्रति
भरा पूरा परिवार छोड़ के गई, बड़ा किया। आज उसके परिवार बहुत दुखी परिवार है। हम सभी लोग इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं भी अपने आप को परिवार के दुख में शामिल करता हुआ माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष दे, वही परिवार को दुख सहन करने के साथ साथ और शक्ति दे ताकि ये समाज की और सेवा कर सके। ओम शांति शांति शांति। हरियाणा विधानसभा के व्यासपति प्रकाशन पंडित जी, पूजनीय संतगण, स्वर्गीय माता स्नेहलता जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए सभी महान भक्त, जैसा भी कहा भी गया है कि आत्मा अमर है श्री नश्वर है, लेकिन आज हम उस शरीर की चर्चा करने के लिए, उसको याद करने के लिए यहाँ से इकट्ठे हुए हैं। निश्चित तौर से हो सकता है कि आत्मा ने तो फिर शायद नया जन्म ले लिया, लेकिन जो शरीर हमारे बीच में रहा, जो आत्मा हमारे बीच में रही, उसने किस प्रकार के कर्म किए, कैसे काम किए, उनकी चर्चा करने के लिए हम सदम हूँ। मेरा बड़े परिवार से जाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े परिवार में जन्म लेना भी एक तलवार के ऊपर चलने जैसा है, क्योंकि आपके व्यवहार को हजारों लोग देखते हैं। चौटाला साहब के संबंध बहुत गहरे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी जानते हैं। चौधरी देवीलाल के साथ किसी के संबंध बहुत गहरे हैं, इस बात को तो चौधरी देवीलाल जानते हैं। लेकिन वही कार्यकर्ता जब घर पे आता है और उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना हो, तो क्योंकि वो उस भाव को लेके आया कि चौटाला साहब मेरे से कितना प्यार करते हैं, चौधरी देवीलाल मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जो सामने महिला है उसको नहीं पता कि ये कितना खास है, तो ये अनुमान करना बड़ा मुश्किल काम है कि वो महिला किस प्रकार से व्यवहार करती और उसका व्यवहार जो है वो हजारों लोग उसका उदाहरण देंगे। यदि थोड़ा भी व्यवहार गलत हो गया तो उसकी भी चर्चा हजारों लोग करेंगे, और अच्छा व्यवहार भी करेंगे तो उसकी चर्चा भी हजारों लोग करेंगे। और ये जो नाम होता है, नाम कोई केवल हमारी मेहनत से नहीं होता, ये हमारी जो माता है बहने घर में काम करती है तो उनकी वजह से होता है। और मैं केवल नाम की नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी रिश्तेदारियां भी जो कायम है ना, और हमारा परिवार भी जो चल रहा, तो इनके उस पर चलता है हमारे, तो याद नहीं करता। हम सारी दुनिया के दुख देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके दुखों की बात भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं, सुख में भी जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे से क्या होता है कि हमारे नजदीक का हमारा रिश्तेदारी है वहां जाना भूल जाते हैं, उनसे बात करना भूल जाते हैं, उनसे मिलना भूल जाते हैं, और ये सारा काम कौन करती है, ये महिलाएं। और दोस्तों आज जो इतना बड़ा नाम है सबको अपना घर बात के रखने वाले मज्जा जी हमारे बहुत आदरणीय पूजनीय मत संचालन कर रहे हमारे बहुत आदरणीय महात्मा साधुगण आचार्य जी, उपस्थित सभी महानुभाव, श्रद्धांजलि देना बड़ा कठिन होता है और परिवार के सदस्य के लिए और ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा मन नहीं था अध्याया बोल, आज पूरे हरियाणा से बहुत लोग बारह दिन में आते हैं, जैसा जैसा दृष्टा था हमसे तो आपके परिवार से निभाते गए। हम परिवार में छह सदस्य थे, चौथा हमारी मम्मा, पांच हम बहन भाई, सात सदस्य थे। मेरी उम्र केवल छह साल थी जब हमारे आदमी भाई साहब त्रिवेम प्रकाश जी की शादी हुई। घर में हमारे आठवें सदस्य के रूप में भाभी जी का आना हुआ, हमारे मां के समान भी थी, भाभी के समान भी थी। अंग्रेज में बहुत छोटे करते का, और उन्होंने पूरे परिवार को जो
माँ का रोल होता है, वो रोल भी रखा और धन का सारा कुछ देखना। परिवार बहुत समय से राजनीति है पुराना, कई बार ऐसे वक्त भी आए कि शाम को 300 आदमी आ रहे, सबके खाने की व्यवस्था करनी है, बात करना जीवन के कुछ जो असली मुद्दे उस पर आ रहा। तब कैटरिंग का जमाना नहीं था, ये टेंट हाउस की भी सुविधा नहीं थी, घर में 20-30-50 मुक्कर भी नहीं होते थे। हमारी भाभी जी इतनी बहादुर थी कि 300 आदमी और 400 आदमी और खाने के बिना कोई नहीं जाता था, ये काम भी उन्होंने करते थे। हमारे बच्चे तो ये नहीं देख रहे, तो उस वक्त हमने देखे बड़े सख्त वक्त थे। अब मैं केवल एक बात कह के, क्योंकि बहुत हमारे बहुत परिवार से जुड़े हुए बहुत आदरणीय बैठे हैं, उन्होंने बोलना है, मुझे कह दिया गया तो मैं एक मिनट में अपनी बात साबित करूंगा। थोड़ा सा उन्हें उनके बारे में बता रहा हूँ, हमारे घर के सदस्य भी आज नहीं रहे। पता नहीं, लोग कहते हैं कि परमात्मा ऊपर से कंट्रोल करता है, आत्मा ये ऊपर चली जाती है, ये किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा है या नहीं है, सुना है, मानते हैं, हर आदमी मानता है, कोई सुख में मानता है, कोई तकलीफ में मानता है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे पूर्वज चोर साहब, हमारी माँ भाभी जी कहीं भी, हम अलग अलग रास्ते में बहुत बात कर सकते हैं, पर जब परिवार का मामला आता है, समाज का मामला आता है, तो हमारी चैन इतनी मजबूत है कि शायद ही किसी परिवार, सारा परिवार यहाँ बैठे है, हम सारे इस घड़ी में साथ हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, बच्चे इनका हुक्म डाल सकते हैं, पर मैं छोटा भाई हूँ, इनका हुक्म नहीं, हम उनका रोल तो नहीं अदा कर सकते, पर आज उनकी गैरहजूरी में कोई भी हुक्म देंगे हमारे लिए वो आदमी हुक्म। जितने लोग आए हैं मैं सबका परिवार की तरफ से बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने आके परिवार के लिए एक हमारा जो सदन से आपसे रिश्ता बनता था उसे निभाने का काम किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आज आप सारे माता जी की अंतिम अरदास में शामिल हुए। हिंदुस्तान के इतिहास में चौधरी देवीराज जी वर्गा इंसान पैदा नहीं हो सकता। जो चौधरी देवीराज जी ने सेवा की, गरीब किसान की गल की, उन्होंने बांह फिरकी फड़ी ते लड़ाई लड़ी, ऐसी मिसाल हिंदुस्तान च नहीं मिल सकती। जो लेवल ऑफ कमिटमेंट, पोलिटिकल कमिटमेंट, लोगों का कमिटमेंट चौधरी साहब सिंह की सी, साड़ी जनरेशन च इन्नी नहीं होनी जिनी उन्होंने। मेरे पिता बादल साहब न एक भरावान सके भरावान का रिश्ता सी, बादल साहब मेरे पिता बादल साहब के चौधरी देवीलाल जी के संबंध बारे, दोस्ती बारे पूरी दुनिया को पता है कि एक मिसाल सी। जे चौधरी साहब बादल साहब को कुछ कह देंगे, बादल साहब ने जिंदगी ना नहीं की, जे बादल साहब चौधरी साहब को कुछ कह देंगे, उन्होंने जिंदगी ना नहीं की। आज आप माता जी की अंतिम अदाल शामिल हुए हैं। सब तो वह दुख मैं कह सकता है मेरे पिता समान बुजुर्ग चौटाला साहब को होना, क्योंकि इस उम्र एक धर्म पत्नी का साथ छुट्टन जो कमी महसूस होंगी है वो कमी कोई भर नहीं सकता। जिन्हें भी सियासी परिवार है वो कामयाब है क्योंकि उन्होंने घर संभाली, उन्होंने धर्म पत्नी या माता संभाली घर। जे अब बादल साहब ने इन सियासत में ना कमाया बात जरूर कहूंगा,
साल पहले वकालत कर रहा था, मेरा छोटा सा परिवार से कोई संबंध नहीं था। चौधरी साहब ने मुझे उठाया और चौधरी साहब ने मुझे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पहचान दी, वो कोई छोटी बात नहीं। जितनी मेरी राजनीतिक सफर रहा इतने दो दशक से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था और मैं मानकर करता हूं जो कुछ मेरी राजनीतिक पहचान है वो इस परिवार की वजह से। जब मेरे 14 साल के बेटे का देहांत हुआ 1994 में, आप कल्पना नहीं कर सकते, बैठक जयपुर में थी, चौधरी साहब बिना सोचे समझे कहां पहुंचे, इलेक्ट्री का फोन आया कि आप कहां हो, उन्होंने कहा जयपुर है। कितना दिल झटका होगा उस व्यक्ति के लिए और किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी माता ऐसे व्यक्ति पर असरदार समझ में आया हूं। मैं अत्यंत भावुक हूं, इस परिवार का मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि मेरी कई पीढ़ियां भी इसकी अदायगी नहीं कर सकती। मेरे बहुत ही प्यार वाले सरकार वाले ही ओम प्रकाश की निराला सा निराला परिवार में चौधरी देवीलाल परिवार में सारे ही मेरे अजीज वीरों बच्चों बहनों, सब तो पहला एडा बड़ा दुख है कि मैं कैसी मेरा दिल ही नहीं करता बोल रहा, पर परिवार चुटाला परिवार का जो हुक्म है वो कदे मोड़ मैं नहीं सकता। माता जी चले गए, उन्होंने का बेवक्त अचानक दर्दनाक है, उन्हें सारे पंजाब हरियाणा के देशवासियों को बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया। ये दुख अकाल है ऐसा है ना ध्यान किया जा सकता है ते ना ही सहारा जा सकता है। चौधरी देवीलाल जी ये सारा संसार जानते हैं कि उन्होंने जाती तौर पर मेरे नाल ते सारे बालक पाप परिवार नाल इतना गूढ़ा रिश्ता कह लो तनक कह लो स्नेह कह लो कि सारे हिंदुस्तान वाले समझे सन कि इस तरह जोड़ी है जो राम जोड़ी जोड़ी एक दूजे का प्यार एक दूजे का सरकार इतों तक असी एक दिन पंजाब इकट्ठे रहते स सियासी काम करते सन एक दिन हरियाणा काम करते सन। अब तुम बहुत बड़ी गिनती में इकट्ठे हो, सियाने कहते हैं दुख उड़ाया गया करता है ते सुख उड़ाया तो वध है, भावे दुख बहुत बड़ा है सहान वाल नहीं पर थोड़ी एटी गिनती में इतने आना किसाना परिवार को बहुत ही शक्ति मिली है। दुख कटे चौधरी देवीलाल जी
एक इंसानी बल्कि इंस्टीट्यूशन सर। और उन्होंने देश के हर पक्ष ने देश वास्ते लड़ाइया लड़िया कुर्बानियां दीतिया। देश दो वड्डियां लड़ाइया हुई एक जंगे आजादी जंगे आजादी चौधरी देवी आजादी का हिस्सा सी बहुत बड़ा हिस्सा सी बहुत बड़ा योगदान सी। दूसरी लड़ाई जो हुई वो एमरजेंसी लड़ाई सी वो भी बड़ी भयानक लड़ाई सी और उस लड़ाई में भी चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा हिस्सा पाया योगदान दिया। मेरी कोई 70 साल की सियासी जिंदगी है मैं देखते सारे सियासतदान भावे और प्राइम मिनिस्टर के अहुदे ते हन जां होर किसे अहुदे ते हन उन्हां दे बारे जानदा पर जे किसे इंसान दे कदे पाणी पीण दे दिल विच किसान ते कमेरे दे वास्ते हित सी प्यार सी जां सेवा करना चाहुंदे सन ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ MLA ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮਿਸਟਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਏ ਬਾਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 100 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ
आप सभी लोग बहुत
गुजर के अगले जाए, और ये इसलिए जरूरी है, हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे रहे, समय रहता का खुद का भी सरवा कर उसकी खेत में लगाई हुई सब्जी है, उसका गाय के घी को भिगो करके घी पैदा किया हुआ है, उस सब का उपयोग अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर उनकी आत्मा को तकलीफ होने स्वभाव है, इसलिए आपसे निरंतर निवेदन करूंगा, बहुत देर हो गई, दूर दराज में आपको जाना भी वापस है, इसलिए सभी साथी जो भी रुका चुका है उन्हें कृपया उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, हर व्यक्ति भोजन करके जाएगा, अगर कोई बिना भोजन के जाएगा इससे हमारे परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और स्नेह की आत्मा को बिल्कुल पहुंचेगा, इसलिए आपसे निवेदन है हमारे साथ में जो व्यवस्था कर रखी है कृपया वो आपके साथ जाए, आप सबको भोजन के स्थान पर ले जाए, सभी साथी भोजन करके जाएंगे, इससे हम सबको बहुत संतुष्टि होगी, आप सब आए, आप हमारे दुख दर्द के हमेशा साथी रहे हैं, भविष्य में साथी रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद विश्वास और भरोसा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।